बेगूसराय में बुधवार की देर शाम पंचायत चुनाव के दौरान उस वक्त बवाल मच गया जब दो मतदाताओं ने अपना वोट किसी दूसरे के द्वारा डाल देने का आरोप लगाया तथा बूथ सेंटर पर ही जमकर हंगामा शुरू कर दिया। मामला नाकोटी प्रखंड के समसा पंचायत के वार्ड 10 की है। बताया जा रहा है कि बूथ संख्या 123 पर दो महिलाओं का वोट किसी अन्य के द्वारा डाल दिया गया और इस साजिश में वार्ड सदस्य के प्रत्याशी चंदन कुमार पर आरोप लगाते हुए महिलाओं ने हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने भी बल प्रयोग कर किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया, साथ ही साथ आरोपी चंदन कुमार को हिरासत में ले लिया। चंदन कुमार को हिरासत में लेने के बाद महिलाओं का गुस्सा ठंडा हुआ, लेकिन प्रशासन के द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। आरोप लगाया जा रहा है कि वार्ड सदस्य प्रत्याशी चंदन कुमार के द्वारा बड़े पैमाने पर वोटों का हेर फेर किया गया और बोकस वोटिंग करवाई गई। मेरे न्यूज बिहार के लिए बेगूसराय से रविशंकर गन की रिपोर्ट। सर वोट गिरवल गेलो ना तो कहलक कि अहाँके नाम पर वोट गिरल। उसके बाद सर वहाँ से घुरा से वोट नहीं दिया। तो आपका वोट कौन डाल दिया? राबड़ी दे। तो आप उसमें ऑब्जेक्शन नहीं किए? नहीं सर। किसको, पुलिस को सूचना दी ऐसा ऐसा हुआ घटना? हाँ सर, पुलिस को सूचना पड़ गई। हाँ सर। तो क्या पुलिस किसी को पकड़ के लेके गया या क्या किया? नहीं किया। हाँ ले गया। किसको पकड़ के लेके गया? क्या नाम है आपका? कहाँ से आप वोट कहाँ डाल रहे हैं, कौन जगह है, जगह का नाम क्या है? के गिरेल के? राबड़ी दे। आर कौन? चंदन जो खुद प्रत्याशी। मामला यही है जो हम भी प्रत्याशी हैं और चंदन भी प्रत्याशी हैं, लेकिन उनकी पत्नी आकर वोट दो एक छोड़ दो बार दिया गिरा के गई है दूसरे के नाम पर जो मेरे वार्ड में है, ममता देवी और कविता देवी। कौन सा जगह है? समसा हाई स्कूल। अंतिम में जो चंदन पोदार जो है गलत ढंग के, वो कैंडिडेट भी है, वार्ड सदस्य भी है, और गलत ढंग से दूसरे के नाम पर वोट गिरवा दिया, और जो गिराने वाला था वो वहाँ गिराने के लिए गया तो उसका जो है गिर गया है, इसीलिए अंतिम में जाकर सूचना किया गया है। और डायरेक्ट अंतिम में जाकर यही सब खेल वेल करके और जो उस टेबल पर जितने भी है उस सारा उसमें भूमिका आज विरोध नहीं किया। किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? और चंदन पदार। कितने बजे का मामला है ये? दो ढाई बजे लमसम दो ढाई बजे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम बसंत महतो, मुखिया प्रत्याशी। मेरा पत्नी वोट डालने के लिए गई तो वहाँ जाने के बाद जो है सर चंदन पोदार जो है वो बोला जो आपका वोट हो चुका है आप जाइए। हम बोले भाई वोट तो मेरा पत्नी गिरा ही नहीं तो वोट कैसे हो गया? तो बोला नहीं वोट आपका हो गया, हम बोल रहे हैं वोट हो गया तुम जाओ। बोले हम ऐसे नहीं जाएंगे, बिना वोट गिरा हुए हम नहीं जाएंगे। तब हम चेक चाक करवाए हैं तो इसके नाम के बदला हम दूसरी औरत जो है सो वोट गिरा दी है। चंदन पोदार का पत्नी जो है सो प्रत्याशी है और खुद चंदन कुमार जो चंदन पोदार जो है पोली एजेंट बना है और वही ऐसा काम करवाया है। कितने आदमी का कराया घटना इस तरह? दो आदमी है और दो चार मेरा आंटी है और एक मेरा पत्नी है।